साथ मैं हूँ ज्योति, बताऊंगी आज आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स व्हाट्सएप से जुड़े हुए। व्हाट्सएप ऐसी चीज है जिससे आप बहुत कुछ ले सकते हैं और एट द सेम टाइम व्हाट्सएप भी आपसे बहुत कुछ ले लेता है प्राइवेसी के नाम पर। खैर, मामला कोर्ट में है, इस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे ऐसे सॉफ्टवेयर या फिर ऐसे ऐप के बारे में जिसमें आपको उतना इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन इंटरेस्ट होता है उनके हैक्स, ट्रिक्स और हिडन फीचर जानने में। और अगर ऐसा है भी तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हैक्स, ट्रिक्स, हिडन फीचर आपको डिजिटली अवेयर तो बनाते हैं, और आपके आसपास के लोग भी आपके जरिए ऐसी ट्रिक्स, ऐसे हैक्स जानकर अवेयर होते हैं। इसमें और क्या मिलता है आपको एडिशनली? आपका वजन बढ़ जाता है, वाहवाही होती है आपकी। खैर, ये बात तो होती रहेंगी, फिलहाल शुरू करते हैं शो जिसके लिए आपने वीडियो क्लिक किया है। आज आपको बताऊंगी 5 हिडन फीचर्स व्हाट्सएप के, और ये फीचर्स कौन से हैं? वीडियो या वॉइस कॉलिंग में डेटा कैसे बचाएं? मैसेज पढ़ने के बाद भी कैसे रहेगा आपका मैसेज अनसीन? व्हाट्सएप चैट में कस्टम वॉलपेपर कैसे लगाएं? मोबाइल डेटा ऑन और आपका व्हाट्सएप ऑफ दूसरों को कैसे लगेगा? इसके साथ साथ व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्डिंग का इजिएस्ट और सेफेस्ट तरीका कौन सा है ये भी बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको बता दूं मोबाइल डेटा बचाने का नुस्खा। ये रही, आपको व्हाट्सएप ओपन करना है। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जब आप जाएंगे उसके बाद आपको जाना है स्टोरेज एंड डेटा ऑप्शन में, और स्टोरेज और डेटा ऑप्शन जब आप क्लिक करते हैं फिर यहाँ आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें आपको क्लिक करना है यूज़ लेस डेटा फॉर कॉल्स। इसे आप इनेबल कर देंगे तो अब आप आराम से अपना डेटा बचा सकते हैं। आपकी वॉइस कॉलिंग जितनी देर की करनी हो, आपको वीडियो कॉलिंग जितनी देर की करनी हो कर सकते हैं। अंतर सिर्फ इतना आएगा कि क्वालिटी थोड़ी सी डेटोरिएट हो जाएगी। तो फीचर अनेबल करने से क्या होगा? आपका बेतहाशा डेटा खपत नहीं होगा, लेकिन इस सेटिंग से मोबाइल डेटा की तो बचत हो जाएगी, कॉल क्वालिटी पहले की तरह नहीं होगी, थोड़ी सी डिटोरिएट होगी। चलिए अब अगले हैक की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैसेज को आप पढ़ लें और मैसेज भेजने वाले को पता भी नहीं चले, तो इसका सबसे बेहतर और आसान तरीका है ऑफलाइन मोड में मैसेज पढ़ना। ऑफलाइन मोड में मैसेज पढ़ने के लिए आपको क्या करना है? आपको अपने मोबाइल को ऑफलाइन कर देना है, यानी इसका डेटा ऑफ कर देना है। वो या तो मोबाइल डेटा हो या वाईफाई डेटा हो, आपको इसे डेटा से कनेक्ट नहीं रखना है। बेहतर होगा कि आप इसे एयरप्लेन मोड में डाल दें। आप इसे एयरप्लेन मोड में अगर डाल देते हैं आपके मोबाइल पर डेटा नहीं चलेगा। अब आप व्हाट्सएप मैसेजेस अगर पढ़ना चाहते हैं तब आप व्हाट्सएप क्लिक करेंगे, और व्हाट्सएप जब आप क्लिक करेंगे इसमें आप के पास मैसेज, जैसे आपको पढ़ना है रिलायंस जियो से मैसेज, ये मेरे दूसरे नंबर से मैसेज मैंने भेजा है, ये मैसेज यहाँ हेलो और व्हाट्सएप मैसेज मैंने डाला है, ये अभी मैंने पढ़ लिया लेकिन ये अनरीड दिखेगा मेरे उस नंबर पर जो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। फिर आपको करना क्या है, आपको वापस आके व्हाट्सएप बंद कर देना है, और फिर अब आप चाहें तो मोबाइल डेटा ऑन कर सकते हैं। मोबाइल डेटा आप ऑन कर लेंगे, इसके बाद भी आपका व्हाट्सएप मैसेज अनसीन ही रहेगा जब तक कि आप दोबारा व्हाट्सएप पर क्लिक नहीं कर लेते। आप जैसे ही व्हाट्सएप पर क्लिक करेंगे आपका अनसीन मैसेज जो सामने वाले को दिख रहा है वो अब सीन हो जाएगा, यानी ब्लू टिक हो जाएगा। अगर आप व्हाट्सएप पर ऑनलाइन नहीं हो रहे और आप अपने दूसरे ऐप्स चला रहे हैं तब पता नहीं चलेगा सामने वाले को कि आपने व्हाट्सएप मैसेज उनका पढ़ लिया है। अब अगले हैक की तरफ बढ़ते हैं। याहू के दो एम्प्लॉयज ब्रायन एक्टन और जॉन कॉलम को अंदाजा था क्या कि उनके डेवलप किए गए ऐप के फीचर्स की ऐसी एमआरआई की जाएगी? खैर, आगे बढ़ते हैं और बताते हैं अगले हिडन फीचर के बारे में। व्हाट्सएप चैट में कस्टम वॉलपेपर आप कैसे लगा सकते हैं? तो कस्टम वॉलपेपर चेंज करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको व्हाट्सएप पे क्लिक करके व्हाट्सएप में एंट्री लेनी है। इसके बाद जिस भी चैट का आप वॉलपेपर चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैंने क्लिक किया मैन्युस्क्रिप्ट, इसमें आप जाएं और ये 3 डॉट्स क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन खुल के आएंगे कई सारे। इस पर वॉलपेपर पे आपने क्लिक करना है, ब्राइट, डार्क, सॉलिड कलर्स, या फिर माय फ़ोटोज़, आपकी जो गैलरी है उससे फ़ोटोज़ निकाल के लगाना चाहते हैं तो आप इसे सेट कर सकते हैं।
और अगर नहीं तो आप डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसके लिए डार्क थीम चुना, डार्क थीम में आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, इनमें से आपको जो भी ऑप्शन पसंद आए आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैंने इसे सिलेक्ट किया और यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा सेट वॉलपेपर। सेट वॉलपेपर के पहले आप इसे स्वाइप कर सकते हैं लेफ्ट और राइट, ताकि आपको और भी ऑप्शंस दिख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पर ये वॉलपेपर कैसे लगेंगे। ये आप रिव्यू कर सकते हैं, हमने शॉर्टलिस्ट किया था इसे, तो इसे हम सेट कर देते हैं वॉलपेपर के तौर पर। वॉलपेपर फिक्स होने के पहले आपसे ऑप्शन पूछा जाता है कि आपको ये सिर्फ इसी पर्टिकुलर चैट के लिए चाहिए या आप पूरे व्हाट्सएप की थीम चेंज करना चाहते हैं। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन जो भी आपको चाहिए, आप पर्टिकुलर इस चैट के लिए चेंज करना चाहते हैं तो आप फॉर दिस चैट, चैट का नाम, और आप इसे ओके कर दें। ये सेट हो गया आपका वॉलपेपर। इसके अलावा अगर आप दूसरे चैट में देखेंगे तो वो वॉलपेपर सेट नहीं हुआ है, वो डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर है। और अगर आपको कोई सॉलिड कलर पसंद हो, आपकी ज़ोडियक का कलर हो या आपको किसी खास कलर से लगाव हो, तो आप वो कलर भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पिक किया ये, हम सेट करेंगे उसके पहले एक ऑप्शन आ रहा है ऐड व्हाट्सएप डूडल्स, तो क्या हमें डूडल्स भी चाहिए? अगर चाहिए तो हम इसे टिक रखेंगे और अगर नहीं चाहिए तो हम इसे अनटिक कर देंगे। लेकिन अनटिक करने के बाद ये पूरे सॉलिड कलर में आपको मिलेगा, हमें डूडल्स चाहिए तो ये कुछ ऐसा सा दिखेगा। हम इसे वॉलपेपर को सेट करेंगे, फिर से आपको ऑप्शन में पूछा जाएगा कि आपको सिर्फ इसी चैट के लिए वॉलपेपर चाहिए या आपको सभी चैट के लिए वॉलपेपर्स चेंज करने हैं। तो आपको सिर्फ इस चैट के लिए चाहिए तो आपने टिक, ऊपर वाला बॉक्स टिक कर रखा है और ओके कर दें, आपका वॉलपेपर सेट हो गया। आपने दो चैट्स में चेंज किया, ये देखिए ये दो चैट्स में चेंजेस आपको रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, लेकिन बाकी के चैट्स में डिफ़ॉल्ट है, यहाँ पर चेंजेस आपको नहीं दिखेंगे। तो अगली ट्रिक क्या है? तो अगली ट्रिक है मोबाइल डेटा ऑन लेकिन आपका व्हाट्सएप ऑफ, ये कैसे होगा? देखिए, व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं चाहिए, जिससे आप छुट्टी के मूड में हैं और आपको मैसेज नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, टिंग 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 नहीं चाहिए, तो क्या करना है आपको? जब भी आपको चाहिए कि मोबाइल ऑन रहे, दूसरे ऐप्स आपके चलते रहें, ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये ट्रिक बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आपको सेटिंग्स ऑन करनी है, ये व्हाट्सएप की नहीं मोबाइल की सेटिंग होगी। मोबाइल की सेटिंग पर आपने क्लिक किया, इसके बाद आपने क्लिक करना है डुअल सिम एंड मोबाइल, ये आपने क्लिक किया। इसके बाद आपको ऐप्स यूजिंग वाईफाई एंड मोबाइल डेटा पर क्लिक करना है, जो सबसे नीचे ऑप्शन में आता है। और इसके बाद आपके जितने भी ऐप्स अभी मोबाइल में हैं वो रिफ्लेक्ट होंगे। आपको व्हाट्सएप पर आना है, व्हाट्सएप पर आप क्लिक करें, तीन ऑप्शंस दिख रहे हैं, क्लोज, वाईफाई, वाईफाई एंड मोबाइल डेटा, आपको इसे क्लोज पे क्लिक करना है और बस आपका व्हाट्सएप अब ऑफ हो जाएगा, मोबाइल डेटा ऑन रहेगा, मोबाइल पर बाकी ऐप्स चलते रहेंगे। इसके बाद आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलने वाला और आपका व्हाट्सएप ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि आपका मोबाइल ऑफ हो। इसके बाद जब आप व्हाट्सएप फिर से ऑन करते हैं, आप ऑनलाइन जाते हैं व्हाट्सएप पर उसे क्लिक करके, तब आप पहले की तरह हो जाएंगे बिल्कुल। फिर आपको व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे और आपको व्हाट्सएप एक्टिव हो जाएगा। तो अगला फीचर क्या है? अगला फीचर थोड़ा हिडन भी है और डिमांडिंग भी है। दरअसल ये है व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्डिंग का सेफेस्ट और इजीएस्ट तरीका। व्हाट्सएप के कॉल रिकॉर्डिंग के लिए तीन खास तरीके होते हैं। पहले तो आप मैकबुक लीजिए, आईफोन लीजिए, आपका एंड्रॉयड फ़ोन रखिए, उसका एक सेटअप संजोइए, उसके बाद जाके आप कॉल रिकॉर्ड कर पाएंगे। दूसरा तरीका क्या है? स्क्रीन रिकॉर्डिंग। और इन दोनों से परे सबसे सटीक तरीका है थर्ड पार्टी व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्डर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप सिलेक्शन में परेशानी होती होगी आपको, चलिए मैं आपको ऐप का नाम बता देती हूँ, ये है क्यूब कॉल ऐप। व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग के लिए ये इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने साइप्रस में डेवलप हुए ऐप को इंस्टॉल कर लिया है। ये क्यूब ACR आपने ओपन किया, अभी देखिए कोई रिकॉर्डिंग्स नहीं है। अब आपको रिकॉर्डिंग इनेबल कर देनी है, सबसे ऊपर के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है।
इसके बाद आपको रिकॉर्डिंग ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कुछ परमिशंस देने हैं, सेटिंग्स में छोटे मोटे चेंजेस करने हैं, जैसे आपको कौन से कॉलर्स नहीं चाहिए, कौन से कॉलर्स चाहिए, आपको स्काइप कॉल्स चाहिए, आपको व्हाट्सएप कॉल्स चाहिए, वॉइस कॉल चाहिए। इसके साथ साथ आप अगर माइक्रोफोन यूज़ करते हैं तो या लाउड स्पीकर पे आप बात करते हैं तो ये दोनों फॉर्मेट में रिकॉर्डिंग होगी, इसका ऑप्शन है। इसके बाद आपको सेकंड्स भी सिलेक्ट करने हैं, ये फ़ोन ऑटो रिकॉर्डिंग डिले आपको 0 सेकंड पे ले आना है ताकि आपकी कॉल जैसे ही कनेक्ट होगी रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगी। इसके बाद आप इग्नोर VoIP ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये सपोर्ट चेक की परमिशन मांग रहा है तो इसे आपको चेक करना है, जैसा मैंने बताया कि स्काइप कॉल, व्हाट्सएप कॉल और दूसरे तरह के जो कॉल्स हैं आप रिकॉर्ड कर पाएंगे, इसलिए आपको इसे चेक करना होगा और ये जैसे ही ऑन होगा आपके व्हाट्सएप कॉल, स्काइप कॉल रिकॉर्ड होने की परमिशन पर आ जाएंगे और अब आपका ऐप रिकॉर्डिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। देखिए, बातें रिकॉर्ड करना एथिकली गलत है, ऐसा करने से पहले आपको परमिशन लेनी चाहिए। परमिशन तो व्हाट्सएप को भी लेनी चाहिए थी अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी थोपने के पहले। प्राइवेसी पॉलिसी पर किचकिच इनका नया नहीं है, ये इसी किचकिच से आजिज आकर दोनों जो फाउंडर हैं वो एक दूसरे से अलग हो गए और फाउंडर को फाउंडर ब्रायन एक्टन उन्होंने क्या किया, अलग होकर उन्होंने नया ऐप बनाया और उसी का नाम है सिग्नल, और आज सिग्नल और व्हाट्सएप आमने सामने खड़े हैं। लेकिन आप आमने सामने मत आइएगा, आप तब आइएगा जब मैं नोटिफिकेशन भेजूंगी, और आप ज़रूर आइएगा जब मैं नोटिफिकेशन भेजूंगी। आपने करना क्या है, आपने सिर्फ हमारा ऐप इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप इसे YouTube पर देख रहे हैं तो आपको YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, अगर आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन मैं भेजूंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, खूब सारा ख्याल रखिए, बाय।